जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से आप लोगों के सामने पेंट में एक नया 3D शैडो डिजाइन बनाने सिखाने के लिए आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेंट को ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद टेक्स्ट टूल लेकर अपने टेक्स्ट को टाइप करें, यानी कि अपने नेम को टाइप कर लें। नेम टाइप करने के बाद सिलेक्शन टूल का प्रयोग करें और अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करके आप उसे अपने पेज के अनुसार ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं और आपको इसे कॉपी करना है और फिर से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद उसका डुप्लीकेट आपके सामने आ जाता है और आप उस डुप्लीकेट में एक नया कलर फील कर सकते हैं, जो भी कलर आप फील करना चाहते हैं। अब आप अपने पसंदीदा कलर को फील करके इसे फिर से सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट करें और इस तरह से तिरछा अपने ब्लैक वाले टेक्स्ट पर एडजस्ट करें, जैसे कि हम वीडियो में एडजस्ट कर रहे हैं। आप देख लें, यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद आपको दिखेगा कि आपका जो टेक्स्ट है इसका एक शैडो बन गया। अब इसी साइड को अगर 3D में आप बनाना चाहते हैं तो मैग्नीफाई टूल से जूम कर ले और जूम करने के बाद लाइन टूल ले, लाइन टूल का तीन यानी कि उसका लाइन टूल का पतला कर ले और देखिए जो कॉर्नर लाइन है, कॉर्नर में इस तरह से लाइन खींचे जिस तरह से हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, और लाइन खींचने के बाद फिल विद कलर से आप ब्लैक कलर में उसे फिल कर दे। इसी तरह से आपको सभी टेक्स्ट में कर लेना है। देखिए जैसे कि मैं सी में कर रहा हूँ, इस तरह से ऊपर में सभी टेक्स्ट को लाइन दे करके फिल कर दिए। सेम मैथड नीचे की ओर करना है, नीचे में भी आपको उसी तरह से दिख रहा, तो नीचे के कॉर्नर दोनों को मिलाना है, ब्लैक कलर वाले और रेड कलर वाले को, और फिल विद कलर से में भी ब्लैक कलर फिल कर देना है, या आप जिस भी कलर का बैकग्राउंड में चाहते हैं अपना जो 3D टेक्स्ट है, जो शैडो आप बनाना चाह रहे हैं, आप अगर चाहते हैं शैडो ब्लैक कलर से न रहे तो आप दूसरा कलर भी फिल कर सकते हैं। मेथड सेम है और इस तरह से आप और भी डिजाइन तैयार कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हम ब्लैक कलर की जगह आप दूसरा कलर फिल कर रहे हैं, ब्लू कलर। इस तरह से आप दूसरे कलर में भी अपना जो शैडो है उसे बना सकते हैं। इस तरह से 3D शैडो बनकर रेडी हो गया और आप जो कलर चाहें वो कलर फिल कर सकते हैं। अब इसे सेव कर लें और सेव करने के बाद आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह से हम आप लोगों को और भी कुछ डिजाइन बता चुके हैं और आगे भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।